अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। वृक्षारोपण कराया जा रहा है गांव में, उसमें केवल समय अभियान में केवल एक आंकड़े जाने के लिए कि हमने इतने पौधे लगा दिए जाते हैं, ना उनके फिनिशिंग की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना रखवाली की व्यवस्था है, इसलिए उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तो ये अभियान केवल कागजों के नक्शों तक सीमित होकर रह गया और उसका उचित लाभ नहीं हो पा रहा है। ना उसकी गर्मियों में पानी मिलता है उनको और ना कोई सुरक्षा होती, ना तार वारी लगाते, ना कोई बारी लगाता, वो तो बेकार हो जाते हैं। क्योंकि लाखन की संख्या में पेड़ लगवाते हैं, उसमें लगवाते हैं लेकिन लाखों में कहो 500 ना खड़ी हो गए, सब बेकार पैसे जाओ सरकार को उसकी लगाने से। हाँ अलग कहीं नर्सरी हो जिसमें बंदोबस्त हो, सरकारी जमीन हो जिसमें कोई फॉरेस्टर रखाने वाला हो, बाजार रखाने वाला हो, उससे लाभ है। जिस प्रकार आदि बच्चों को पालता है उसी प्रकार जो है पेड़ पौधों को पालना चाहिए। ये किनको पालना चाहिए? ये जिस जो मतलब अपने अपने लगाते हैं, जो करते हैं मतलब जो समझते हो चीज को, या वन विभाग, या वन विभाग क्या मतलब वन विभाग वाली अपनी देखे है उनके मतलब लाखों रुपए करोड़ों रुपए या अरबों रुपए खर्च होता है उनके मतलब उस विभाग से, तो उनकी ना कुछ जिम्मेवारी है। वो सुरक्षा के लिए आप क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसा कुछ अभी से आया है कि ये सुरक्षित रह सके पेड़ पौधे? कैसा जैसा शासन का आदेश मिलेगा वैसा होगा, जो तारबाड़ी के लेकर आएंगे तारबाड़ी करवाएंगे। टॉप टू बॉटम हमको टारगेट लक्ष्य दिए जाते हैं, क्योंकि यह होना चाहिए कि बॉटम टू टॉप होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पौधे लगाना नहीं है, पौधे को सर्वाइवल करना जरूरी होता है कि टारगेट कम हो उतने में हम सुरक्षा व्यवस्था कर सकें। सुरक्षा सरकार बहुत ध्यान दे तो हम लोग सफलता पा सकते हैं। और इस साल प्लांटेशन किया है, अगले साल पैसा नहीं मिलता है, मिलता है तो कम मिलता है, वाच वगैरह के लिए पैसा नहीं मिलता है, तो देख रेख के लिए कम से कम 5 साल के लिए तो उसकी देख रेख सुरक्षा के लिए पैसा मिलता है, रहे तो काफ़ी अच्छी रेल पाएंगे।